ये हमें न खाना देते हैं ना पानी दे रहे, 8 दिन हो गए हमें। कौन लोग नहीं दे रहे आपको खाना? बहू और लौंडा। इन बुजुर्ग को दर्द दुनिया से नहीं है बल्कि अपनों से है, और अपनों में भी उन औलादों से है जिनको इनने पैदा करी है। पुरानी कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, यानी अगर बेटा नालायक निकल जाए तो उकेला ने कितो पैसा आप धर दो, कछु कामे ना आए। और कछु जोई हाल हो रहा है महोबा शहर में, रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर बैठे एक परिवार के लाने, इतने बूढ़े पिता को अपमानित करके बेघर कर दोगे, 8 दिन से ये भूखे हैं और पुलिस के पास पहुंच के अपने कलयुगी बेटों पे कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे। रोत भय थाना दिवस में फरियाद करी है, अपने बेटों के द्वारा करी जा रही प्रताड़ना की शिकायत करी है। 8 दिन से भूखे हैं वृद्ध शेख मुन्ना, जो कह रहे हैं कि उनके बेटों ने उनको बेघर कर दो। उनके 2 बेटा हैं नफीस और अनीस, 2 ही सामर्थवान हैं। इनके बाद भी बूढ़े हो चुके बाप को भोजन देवो तो दूर, उखो मकान में भी नहीं रंदेत। पिता को आरोप है कि छोटो मोड़ा अपने मकान में तारो डार के चले जात, सो बड़ो बेटा और बहू भी उखो मकान में नहीं रंदेत। 8 दिन से भोजन नहीं मिले, हताश परेशान पीड़ित वृद्ध थाने पहुँच के अपनी गुहार लगाऊत दिखाई दे। क्या नाम है दादा आपका, क्या मामला लेके आए हैं? हम एसपी साहब कहाँ आए हैं, ये हमें न खाना देते हैं ना पानी दे रहे, 8 दिन हो गए हमें। और कौन लोग नहीं दे रहे आपको खाना? बहू और लौंडा, छोटा वाला रहता नहीं है, होता तारा वो उठा रहे हैं, तारा जी जाते हैं स्कूल तो तार के बहुत जाती है। क्या नाम है आपके लड़के का? उल्लू। मारते आते हैं क्या आपको? अरे गाली देता तो काटते ही, लड़के मारता नहीं है, गंदी गंदी गाली देता। जो बूढ़ो बाप कहते हैं कि जिन बेटों के लाने उन्हें अपनी जवानी खपा दई, ऊखो भी बुढ़ापे में भूखा रखते हैं, यही वजह से वो बीमार रहते। ई बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 2 बेटों और बहुओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करी है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार के लाने। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 future ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.